दाहिना हाथ को गाल के तरफ पुश करने के लिए बायां का हिस्सा पुश करके 10 गिनिए, फिर छोड़ दीजिए। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी HLA-B27 जिनका पॉजिटिव है, वी आर ट्रीटिंग द स्पाइन स्पेशली राउंड अबाउट द नेक फॉर आवर पेशेंट। यहाँ पे दिख रहा है पूरा स्पाइन जो है एकदम बैम्बू की तरह हो गया, यानी वो हार्ड हो जाता है। यहाँ पे धीरे धीरे जब हम नीचे आ रहा है देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे पूरा खाली है, यानी लंबर स्पाइन एंड लोअर डॉर्सल स्पाइन में अभी तक वो प्रॉब्लम नहीं आया जो अपर वाला हिस्सा में है। सो वी आर गोइंग टू ट्रीट दिस सेगमेंट एंड सी हाउ मच बेटर ही दिस पेशेंट कैन बी फॉर हिज नेक्स्ट स्टिफनेस। लूज रखबें, कतदिन ধরে এটা অসুবিধা ফিল করছেন? 8-10 বছর। ধীরে ধীরে হলো না, একবারে হঠাৎ করে হয়ে গেল? ধীরে ধীরে। তো আপনার বাড়ি কারুর এরকম আছে? না। আর এই সমস্যা আপনারই প্রথম? আচ্ছা, কিছু কি এখন কাজকর্ম করেন? আচ্ছা, তাতে কোনো অসুবিধা বোধ হয়? না, সেরকম কিছু অসুবিধা হয় না। বসে কাজ না দাঁড়িয়ে কাজ? বসে কাজ। আচ্ছা আচ্ছা, ডান দিক বাঁ দিক মাথা ঘোরান। He was not able to move a millimeter or a fraction of a millimeter of his head. And as we can see right now, there is a little bit of motion. He is able to do it. This is what we are trying to achieve. We do not want to achieve, you know, 100% of range of motion. That is impossible. Upor nich korun mathata. Please do remember, swimming is very critical and we always promote swimming for ankylosing spondylitis or any type of arthritis. अगर आप यंग अडल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है और दूसरा कुछ सिस्टमिक प्रॉब्लम या दूसरा कुछ पैथोलॉजी डिजीज नहीं है, तो आप 4.5 से 5 लीटर पानी हम पीने के लिए बोलते हैं इन टाइप का पेशेंट को। बांधी के घोरान, लूज रखो, डांधी के घोरान। यू नो इट्स ऑलरेडी वेरी स्टिफ, तो इसीलिए बहुत दिक्कत होता है। एडजस्टमेंट या सेटिंग तो होता नहीं है क्योंकि ये पूरा जम गया, and but we always try to improve the range of motion in Euler cardinal angles based on axis system of XYZ. तो उस हिसाब से थोड़ा जाते हैं हमारा हल्का सा translatory forces. There you go. We will use active release technique का एक fundamental principle है, देखते हैं। डान दिक बाँ दिक माथा टा घुरान, डान दिक बाँ दिक। Perfect. Come on. There you go. Aye. আপনার কি মনে হচ্ছে এখন রেঞ্জ না? Exactly. आपको भी शायद पता चल रहा है, बट मेरा जो फीडबैक है उनका बायां वाला जो डायरेक्शन है वो ज़्यादा घूम रहा है डायना के हिसाब से। डायना थोड़ा ज़्यादा स्टिफ है, सो लेट्स सी इफ वी पॉसिबल टू यू नो इंक्रीज अ लिटिल बिट, मे बी 2-3 degrees ऑफ मोशन ऑन द राइट साइड। डान दिक बाँ दिक माथा घोरान, टानून। डान दिक स्पेशली हम SCM और स्केलिन को रिलीज करने का कोशिश कर रहे हैं, स्टामिनोक्लाइडोमास्टॉइड मसल एंड योर पोस्टीरियर स्केलिन, नॉट मच ऑफ एंटीरियर एंड मिडिल स्केलिन, क्योंकि वो थोड़ा सा डीप है। ओके, डान दिक बाँ दिक माथा घूरिए, देख लें। मच बेटर देन प्रीवियसली, जितना वो राइट रोटेट कर पाता है ना। तो उनको हम एक्सरसाइजेस प्रोग्राम देंगे। इफ यू हैव HLA-B27, इफ यू डू नॉट हैव HLA-B27 बट स्टिल हैव स्टिफ नेक, प्लीज डू दिस एक्सरसाइज एज आई एम शोइंग राइट नाउ। फर्स्ट दोनों तरफ ही करना है, बट पहले हम बाएं तरफ करेंगे। एक्टिवली जितना हो सके ले जाने के बाद दाहिना हाथ को गाल के तरफ पुश करने के लिए बायां का हिस्सा पुश करके 10 गिनिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर लेके जाइए, फिर पुश कीजिए, 10 गिन के छोड़ दीजिए, 10 गिन के 5 बार इस तरफ, 10 गिन के 5 बार इस तरफ। दूसरा ऊपर, ऊपर जितना हो सके जाने के बाद हाथ को ऐसे रख के फोरहेड के ऊपर रख के फिर पुश कीजिए, 10 गिनिए छोड़ दीजिए, फिर एक्टिव जितना हो सके जाइए, फिर दबा के और ऊपर 10 गिनिए मैक्सिमम रेंज पे छोड़ दीजिए, 10 गिन के 5 बार, 10 गिन के 5 बार, 10 गिन के 5 बार। ये 3 motions एवरी आवर प्रति घंटा आपको करना है। 10 counts 5 repetitions, 10 counts 5 repetitions, 10 counts 5 repetitions. डू इट, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एज टू हाउ यू आर डूइंग।
जस्ट बाई डूइंग दिस 7 days. अगर आपको कोई दिक्कत हो और आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है तो नंबर तो सब नीचे है ही, आपको जानकारी होगी, एंड प्लीज कॉल अस फॉर अपॉइंटमेंट. तो फिर मुलाकात होगी. Stay fit. Stay healthy.